हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाली रोजिस्टेट्स एएसपी कैप्सूल के बारे में। रोजिस्टेट्स एएसपी कैप्सूल का क्या है जी, कब इसको यूज़ करता है, कितने दिनों तक यूज़ करते हैं, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, यूज़ करने से आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या अंग्रेज डाली गई और किस प्रकार काम करता है, उसका डोज एंड डोसेंस कितना होना चाहिए। तो रोजिस्टेट्स एएसपी कैप्सूल के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रही। चैनल पर वीडियो भी पहली बार विजिट किया भी नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल को प्रेस कर दिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। शुरू करते हैं रजिस्ट्रेट एएसपी कैप्सूल, जो कि हमारे पास 10 गोली का कैप्सूल है, जिसकी एमआरपी की बात करें तो उसकी एमआरपी टाइम के साथ चेंज होती रहती है। आज जो हमारे पास कैप्सूल है उसकी एमआरपी 91। रजिस्ट्रेट एएसपी कैप्सूल को मैक्लोर्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। रजिस्ट्रेट एएसपी कैप्सूल के अंदर इंग्रीडियंस की बात करें तो उसके अंदर इंग्रीडियंस हैं एस्प्रिंस, गैस्ट्रो रेसिस्टेंस एंड रोसुवास्टेटिन कैप्सूल्स आईपी बोले तो इंडियन फार्माकोपिया। यानी कि रजिस्ट्रेट एएसपी कैप्सूल के अंदर जो इंग्रीडियंस डाले गए हैं उसके पावर ऑफ स्ट्रेंथ की बात करें तो उसके अंदर जो रोसुवास्टेटिन वो 10 mg प्लस एस्प्रिंस 75 mg इसके अंदर डाले गए हैं। रजिस्ट्रेट एएसपी कैप्सूल का यूज़ के बारे में बात करें, इसका इस्तेमाल हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचाव की रोकथाम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ये कैप्सूल का इस्तेमाल हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक से बचाव के इलाज के लिए कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। रजिस्ट्रेट एएसपी कैप्सूल का इस्तेमाल दिल के दौरे और स्ट्रोक को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये ब्लड के थक्कों के निर्माण को भी घटाता है। रजिस्ट्रेट एएसपी कैप्सूल का डोज डोसेंस की बात करें तो उसका डोज डोसेंस आपकी एज, वेट और कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, वेट कितना है, कंडीशंस कैसी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका डोज डोसेंस कितना होना चाहिए। और उसका डोज डोसेंस अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करिए। रजिस्ट्रेट एएसपी कैप्सूल के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट में आपको हो सकता है आपको मिचली आना, हेडेक होना, कब्ज होना, मांसपेशियों में दर्द होना, वीकनेस सोना, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देने को मिल सकते हैं। तो रजिस्ट्रेट एएसपी कैप्सूल का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। रजिस्ट्रेट एएसपी कैप्सूल किस प्रकार काम करता है, यानी कि हाउ टू वर्क्स रजिस्ट्रेट एएसपी कैप्सूल। रजिस्ट्रेट एएसपी कैप्सूल के अंदर दो दवाई रहती है, यानी कि रोसुवास्टेटिन और एस्प्रिंस, जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक को रोकता है। रोसुवास्टेटिन एक लिपिड कम करने वाली मेडिसिन है जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनाने वाली एंजाइम्स को रोकती है। ये खराब कोलेस्ट्रॉल्स एलडीएल्स और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करती है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल्स एचडीएल को बढ़ाती है। एस्प्रिंस एक नॉन स्टेरॉइड्स एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स यानी कि NSAID के साथ एंटी प्लेटलेट्स एक्शन होता है। ये प्लेटलेट्स को आपस में चिपकने से रोकती है और ब्लड के हानिकारक थक्के बनना को कम करती है। रजिस्ट्रेट एएसपी कैप्सूल को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में इस कैप्सूल का इस्तेमाल करें। अपनी मन से रजिस्ट्रेट एएसपी कैप्सूल का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। तो रजिस्ट्रेट एएसपी कैप्सूल के बारे में कुछ भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, अदर पर डिस्कशन में ईमेल दिए वहाँ पर बताइए। रजिस्ट्रेट एएसपी कैप्सूल का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोस। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस और नॉलेज के लिए था। कोई भी कैप्सूल का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।